हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग अपाची की RTR 162V मॉडल अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एंड आपको बताऊँगा कम से कम कितने डाउन पेमेंट आपको ये बाइक फाइनेंस हो जाएगी, साथ में EMI भी बताऊँगा और बाकी कितना इंटरेस्ट लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हमारे साथ में HDFC बैंक की तरफ से हैं। सर आपका नाम? अमित सिंह। ओके, तो सर जी आप ये इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, पहले आप मुझे ये बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बाइक फाइनेंस कराने। डॉक्यूमेंट में सर जैसे दो ID लगेगी, जैसे पैन आधार हो गया, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार वोटर, अगर वो भी नहीं आधार या आधार कार्ड वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी दो ID चाहिए हमें, दो ID चाहिए, और बैंक पासबुक अपडेट चाहिए। अच्छा, बैंक पासबुक अपडेट चाहिए। अपडेट चाहिए कितने मंथ का? लेटेस्ट 3 मंथ अपडेट होना चाहिए, चाहिए। और 4 फोटो चाहिए। हाँ। और उसी बैंक का हमें चेक चाहिए, दो चेक अगर चेक नहीं है तो उनके खाते का ATM होना चाहिए और ATM चलना चाहिए। अच्छा। और मोबाइल पे मैसेज आना चाहिए बैंक से। अच्छा। तब बिना चेक हो जाएगा, NACH करते हैं हम लोग, वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा उनके अकाउंट से। तो और ये बता दो कि जैसे कोई फाइनेंस पे ले रहा है तो मतलब जैसे HDFC बैंक का ही मतलब खाता धारक होना चाहिए, अभी अदर बैंक करेगा तो भी चलेगा? नहीं नहीं, किसी भी बैंक का अकाउंट हो हम फाइनेंस करते हैं। अच्छा। अगर एक्सटर्नल मतलब बाहर का अकाउंट है, बाहर के बैंक का अकाउंट है, तो उसमें अपाचे पे सर उसमें हम 9.25 करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को देते हैं, 9.25 अगर HDFC अकाउंट रहा तो हम इनको 8.25 करके। अच्छा, देंगे। HDFC अकाउंट रहा तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पड़ा, प्लस इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। हाँ। और प्रोसेसिंग फीस भी कम होगी। अच्छा, अगर अकाउंट है और ZipRide का एक ऑफर आता है। अच्छा। 10 सेकंड ऑफर। अच्छा। ZipRide उसको बोलते हैं। अच्छा। अगर ZipRide का ऑफर है तो आपको उसमें 7% के लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फाइल चार्ज भी नाम मात्र का लगेगा, एकदम समझ लीजिए 1000-1200 जो भी हो, वो उनके ऑफर के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों अगर आप HDFC बैंक के खाता धारक हो तो आपके लिए एक अच्छी बात है HDFC बैंक में लोन लेना, काफ़ी सारे प्रॉफिट आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। और ये बता दो HDFC अकाउंट है तो उसमें पेपर भी नहीं लगना है। अच्छा, मतलब पेपर पैन आधार फोटो लगेगा। हाँ। वो ITO के लिए देना। अच्छा। है बस, कुछ कोई पेपर नहीं लगेगा, पेपरलेस काम भी आपका हो जाएगा। विदिन 10 सेकंड में डीलर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अरे वो बहुत अच्छी बात है। तो और ये बता दो कि मतलब अगर जैसे HDFC बैंक की तरफ से मतलब अकाउंट होल्ड, अगर मान लो किसी का अकाउंट है ही नहीं, मतलब किसी का अकाउंट अभी तक खुला ही नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो सर HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवा देंगे हम। एक अकाउंट खुलता है 11,000 से। अच्छा। हम इनका अकाउंट खुलवा देंगे, अब हमारे यहाँ 0 बैलेंस से भी अकाउंट ओपन। अच्छा, हो जाएगा, उस पर भी हम फाइनेंस कर देंगे। जीरो बैलेंस से भी अकाउंट ओपन। अच्छा, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपका 0 बैलेंस भी अकाउंट खुलवा के दे सकते हैं, ये बता रहे हैं। और कुछ बता सकते हो अपने बैंक की तरफ से कुछ ऑफर या ऐसा कुछ निकलता हो उसके बारे में? सर अगर हमारे यहाँ HDFC में अकाउंट है, बढ़िया अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अकाउंट में लेन देन अच्छा कर रहे हैं, तो इनको 2-व्हीलर लोन का ऑफर आता है, जैसे हम बताए ना इसे 10 सेकंड का ऑफर आता है, 2-व्हीलर लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ का ऑफर आता रहेगा, बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए हुए आपको 10 सेकंड में अप्लाई वो आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात पूछना मैं भूल गया, जैसे मतलब अदर बैंक हो या किसी बैंक हो तो जो बैंक स्टेटमेंट आप लेते हो कम से कम मंथली कितना ट्रांजेक्शन होना चाहिए? कम से कम 3 मंथ का होना ही चाहिए। लेकिन मंथली कितना मतलब ट्रांजेक्शन होना चाहिए? 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 मंथली? अगर हम उनको 70% के अंदर लोन कर रहे हैं। हाँ। तो नॉन इनकम प्रूफ लोन करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, तब भी हम लोन कर देंगे उनके, बट उनके बिजनेस पे क्या करते हैं, बिजनेस अच्छा हो। हाँ। या फिर कहीं जॉब करते हों। अच्छा। ठीक है, उसके ऊपर। अच्छा, कुछ ना मतलब हाँ, कुछ ना इनकम होना चाहिए तभी कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनकम नहीं है तो EMI कैसे देंगे? राइट, ये भी सही है। और ये बता दो मुझे, अभी हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें, जिसमें 2 वेरिएंट है, पहले आप मुझे दोनों वेरिएंट का प्राइस बता दो, पहले आप ड्रम का बता दो प्राइस। अगर सर अपाचे ड्रम ले रहे हैं। हाँ। तो ये सर 1,32,000 का है। हाँ, ये 1,32,000 का ऑन रोड प्राइस, इसमें सब इंक्लूडेड विथ एसेसरीज, गाड़ी बीमा रजिस्ट्रेशन विथ एसेसरीज, इसमें कुछ आपको नहीं करवाना। अच्छा, अगर आप डिस्क में ले रहे हैं तो 135 का है। 135 का जी। ओके, उसमें भी सब कुछ, उसमें सब चीज़ कंप्लीट, इनको कुछ नहीं करवाना है, डायरेक्ट इनको गाड़ी का पेपर मिलेगा यहाँ पे, नंबर प्लेट कंपनी लगा के देगी इनको,
ओके, तो अभी हम 20 वाले वेरिएंट का प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं मंथली ईएमआई कितनी आएगी, कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो आप 20 वाले वेरिएंट का कैलकुलेट करो, कम से कम डाउन पेमेंट कितना सर? कम से कम 20 में तो 40,000 कम से कम डाउन पेमेंट लगेगा। 40,000 नॉर्मल मिडिल क्लास लोग 40,000। गवर्नमेंट वाला हो तो उसके लिए कितना डाउन पेमेंट? गवर्नमेंट वाला है तो सर उसके लिए हम 95% तक हम लोन करते हैं। 10,000-15,000 पे भी गाड़ी दे सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लाई है से, गवर्नमेंट एम्प्लाई हो या फिर किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, मतलब जॉब अच्छी इनकम हो, अच्छी खासी इनकम है, ईएमआई इनटू 4 उसकी सैलरी आनी चाहिए। अगर 3,000 की सैलरी है तो 3,000 का ईएमआई है तो 12,000 सैलरी होनी चाहिए, ईएमआई इनटू 4 सैलरी होनी चाहिए। तो 90 अभी आप ये बता दो कि ये जो 40,000 हम डाउन पेमेंट ले रहे हैं, ये मंथली ईएमआई कितना आएगा, कितने ईयर तक? सर अगर 1,35,000 की गाड़ी है, अगर आप 40,000 डीपी दे रहे हैं तो सर ये 18 महीने में 6,153 रुपये की ईएमआई आएगी। 6,153 रुपये की, 6,153 की ईएमआई आएगी ये 18 मंथ के लिए। अगर 24 मंथ की ईएमआई ये करवा रहे हैं तो 4,809 रुपीज़ आएगा। 4,809 रुपये ईएमआई आएगी। और ये बता दो इंटरेस्ट रेट कितना पड़ने वाला सर? इसमें इंटरेस्ट रेट 9.25 ही लगेगा। दोनों पे इंटरेस्ट रेट सेम लगेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा दोनों सर? एक्स्ट्रा अगर आप 18 महीने का लोन करवाते हैं तो एक्स्ट्रा इसमें जाएगा लगभग 15,000 रुपये। 15,000 आपका जाने वाला है 18 महीने। ओके, और अगर 24 का करवाते हैं तो 20,000 के लगभग जाएगा समथिंग, 2,400-500 कम जाएगा। अगर कोई और पे करना चाहे मतलब और 50,000 पे भी हो जाएगा, 60,000 पे भी हो जाएगा। मतलब अगर 60,000 अगर दे रहे हैं तो उसकी भी बता दें। अगर 60,000 डीपी आप दे रहे हैं डिस्क पे हाँ, 1,35 की गाड़ी है, 1,35,000 की गाड़ी है, अगर आप 60,000 दे रहे हैं तो 18 महीने की ईएमआई है 4,869 रुपीज़, 4,869 रुपये। इसमें आपको 12,000 रुपये महंगा पड़ेगा। 12,000 मतलब एक्स्ट्रा पे करना, एक्स्ट्रा पे करेगा, पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट विथ फाइल्स प्रोसेसिंग फीस के साथ में। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? इंटरेस्ट रेट वही 9.25 ही रहेगा। 9.25% अगर 24 महीने का लोन करवाते हैं सर तो ये जाके 3,806 रुपये ईएमआई आएगी। और इसमें 3,000 कितना बताया आपने? हाँ, 3,806 रुपीज़ ईएमआई आएगी। इसमें 16,000 रुपये महंगा पड़ेगा। 16,000 महंगा पे करना पड़ेगा आपके मेन वैल्यू से ज़्यादा। हाँ, तो ये रहेगा इंटरेस्ट रेट भी इसमें वही सेम। हाँ, विथ इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट। अच्छा ये बता दो, अगर कोई क्लोज करना चाहे तो 6 महीने बाद क्लोज कर सकते? 6 किस्त के बाद, 6 किस्त कटने के बाद कभी भी फोर क्लोज किया जा सकता है। जितने का उसका मूलधन बचा रहेगा वो प्लस फोर क्लोजर चार्ज, 6% फोर क्लोजर चार्ज, उस पर GST लगता है। 6% फोर क्लोजर चार्ज प्लस GST जोड़ के आपका लोन फोर क्लोज हो जाएगा। और उसमें कुछ फ़ायदा होगा हमारे ग्राहक को? हाँ हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा सर। लोन ब्याज तो पूरा माफ़ हो रहा है आपका। अच्छा, तो फोर क्लोजर चार्ज कुछ लगता है, कुछ अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। अच्छा खासा फायदा है। ओके, तो सर जी आप ये शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का, TVS शोरूम का, और साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो हमारे व्यूअर को, तो ताकि आसपास अगर आप लोग हो, अगर यूपी प्रतापगढ़ से हो, अगर आपको ये मतलब ये TVS की बाइक फाइनेंस नहीं करते, ये मतलब हर एक ब्रांड की बाइक फाइनेंस, आप किसी भी कंपनी की बाइक लेंगे, टू व्हीलर हो, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, हम फाइनेंस कर देंगे। आप फोर व्हीलर का भी फाइनेंस? नहीं सर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर फाइनेंस, टू व्हीलर का फाइनेंस करते हैं। आप हीरो की चाहो, होंडा की चाहो, बजाज की चाहो, टीवी किसी भी कंपनी का फाइनेंस करते हैं। तो इनका नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप यूपी प्रतापगढ़ से हो तभी कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि बाहर से होकर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है और ये परेशान हो जाएंगे बेचारे हमारे भाई साहब। तो इनका मैं नंबर दे दूंगा, आप एक बार अपना नंबर बोल दो। सर मेरा नाम अमित सिंह है, HDFC टू व्हीलर फाइनेंस से हमें। सर मेरा नंबर है 7054250651। हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और एड्रेस बता दो यहाँ का आप। एड्रेस है सई ब्रिज सदर, सदर चौराहा, सई ब्रिज प्रतापगढ़। हाँ, हर्ष टू व्हीलर्स, आप यहाँ पे हर्ष टू व्हीलर्स में अभी हमें। और कुछ बताना चाहोगे हमारे, ये थोड़ा डिटेल देना चाहोगे इसके बारे में, जब कोई लोन लेता है तो थोड़ी सी कुछ भी? हाँ सर, लोन लेता है तो पहली बात तो उसका सिविल अच्छा होना चाहिए। सिविल अच्छा होना, आप कोई भी पहले पुराना लोन चल रहा हो उसका सिविल फटा नहीं, सिविल फटने का मतलब कोई भी लोन चल रहा है उसकी ईएमआई आप समय से न दिए हों तो वो सिविल स्कोर कम हो जाता है, उसको पहले क्लियर करें उसका। हाँ, अगर कोई ओवरड्यू है तो ओवरड्यू क्लियर करेंगे तभी लोन हो पाएगा। अच्छा, अगर अभी हम कोई गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, इसका अगर इसकी गाड़ी के ईएमआई अगर अच्छे से आप पे कर रहे हैं तो
कभी भी भविष्य में कोई भी गाड़ी या फिर कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपका आपको आसानी से मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो एक अच्छी बात भाई साहब ने हमारे बताया। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आप लोग कमेंट करके बताओ ये फाइनेंस स्कीम आप लोगों को जान के कैसा लगा, और किसी भी बाइक का फाइनेंस स्कीम या किसी भी कंपनी द्वारा जानना चाहिए आप लोगों को, मतलब जानने की इच्छुक हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।